नमस्कार, मैं शिवानी, जी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज इंडिया उत्तराखंड। प्रार्थी का शिव मंदिर समिति के कार्यकारिणी व सदस्य अलमासपुर मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। घटना दिनांक 24/8/2023 सुबह 9:20 की है। मंदिर समिति के पूर्व मंत्री ऋषिपाल सैनी पुत्र दलेल सिंह निवासी अलमासपुर मुजफ्फरनगर मंदिर में खाली हाथ आया और मंदिर में बने कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखे मंदिर के कीमती दस्तावेज, चांदी का सामान व उसमें रखे 15,000 रूपये चोरी करके ले गए। मंदिर में सफाई करने वाले सेवादार ने इसकी सूचना मंदिर समिति के अध्यक्ष जोगेंद्र सैनी को दी तो अध्यक्ष व मंदिर के अन्य सदस्यों ने आकर देखा और कैमरा फुटेज देखी तो उपरोक्त ऋषिपाल अपने हाथों में लाल रंग के कपड़े में मंदिर के सारे दस्तावेज व रूपये आदि सामान ले जाते हुए देखा। इससे पहले पूर्व भी ऋषिपाल सैनी ने मंदिर में कई लाखों रूपये का गबन किया हुआ है और समिति ने ऋषिपाल सैनी को कई बार चेतावनी भी दे रखी है। चोरी की घटना की जानकारी संबंधित थाना नई मंडी व 112 नंबर पर लिखित रूप से दी गई है। पुलिस ने अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर शिव मंदिर समिति व भक्तजनों में काफी रोष हो गया है, जिसको लेकर आज शिव मंदिर समिति के सदस्यों व भक्तजनों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व जिला अधिकारी को शिकायत पत्र दिया और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया। इस मौके पर जोगेंद्र सैनी, चरण सिंह सैनी, अरविंद सैनी, यश सत्येंद्र सैनी, आशीष सैनी, सुधीर सैनी, महेंद्र सैनी, राकेश सुकमपाल, रविंदर आदि मौजूद रहे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सैनी है। सैनी जी, आज डीएम ऑफिस आए, क्या मामला है? डीएम ऑफिस हम इसलिए आए हैं, हमारे यहाँ अलमासपुर चौराहे पे शिव मंदिर समिति है, वो रजिस्टर्ड है हमारी, उसमें हम अध्यक्ष हैं और समिति के सब लोग यहाँ पे हैं, सदस्य भी हैं, कोष अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष साहब भी, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। 24/8/2023 में मंदिर समिति के जो पूर्व मंत्री थे ऋषिपाल सैनी जी, उन्होंने 24 तारीख में सुबह 9:15 बजे के आसपास मंदिर के अंदर चोरी की, अलमारी का ताला खोल करके मंदिर के दस्तावेज उठा के ले गए। उसके अंदर कुछ चांदी वांदी के, सोने के आभूषण भी रखे हुए थे जो मंदिर में छिड़ते थे, और लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास मंदिर में अलमारी में रखे हुए थे, वो उनको उठा करके अपने साथ ले गया। वहाँ के सेवादार ने हमें फोन करके बताया आनंद फानंद में कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ से आदमी आया और यहाँ से सामान लेकर के चला गया। हम सब लोग इकट्ठे हुए पुलिस कमेटी के, हमने वहाँ जाकर के देखा, फुटवे चेक की तो उसमें ऋषिपाल सैनी जी सामान को ले जाते हुए दिखाई। हमने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस भी आ गई, थाने में हमने तहरीर दी, वहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 24 तारीख में ये मामला हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई। इस सिलसिले में आज हम डीएम साहब से, ये कौन सी थाने का मामला है? ये नई मंडी थाने का मामला। डीएम साहब से मिले, क्या बात हुई? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम शिव साहब को कह रहे हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होकर और जो चोर है वो ऋषिपाल सैनी उस पर मुकदमा दर्ज करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सर।